So, अब वक्त है फिल्म सिम्बा की कास्ट से एक और मेहमान को यहाँ पे इनवाइट करने का. ये देखने में जितने सख्त हैं, इनका दिल जो है उतना ही नर्म है. प्लीज वेलकम द वेरी फिट, वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग, वेरी टैलेंटेड माय ब्रदर सोनू सूद. यहाँ पे विराजमान हो जाइए. जहां रहे वहां मस्तियां भरपूर कर दे, वाह. ये जो मांगे खुदा उसे मंजूर कर दे, वाह. है फौलाद की ताकत इसके मजबूत हाथों में, वो चाहे तो तरबूज को दबा के अंगूर कर दे. थैंक यू भाई. बड़ा फिटनेस फिटनेस फ्रीक शेर मारा है आपने. बाउंड्री पे बाउंड्री लगा, बाउंड्री मौके पे चौका. परी सोनू परी जैसी फिट बॉडी पूरी इंडस्ट्री में किसी की नहीं, मतलब ये की तो है. गारंटी के साथ मैं भी बोल सकता हूँ यार. हमारा क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं, हर 6-8 महीने में बॉडी बनानी पड़ती है, बॉडी शॉट होता है, और एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए हमारे सिक्स पैक्स निकल आते हैं. 365 डेज अयर सोनू सूद. ये बंदा ऐसी पता नहीं कितने सालों से, मतलब अगर आप चाय के शौकीन है तो बिस्कुट इनसे लीजिएगा. सोनू भाई एक बात, सोनू भाई ये सच्ची बात है. ये तो मैं दिखा दो आपको, पता ही है हमने हमारे बार चेक करना ही होता है. चलो भाई चेक कर लो. है ओ यार, पर यार पाजी को देख के ऐसा लगता है कम से कम 8 घंटे तो जिम में रहते होंगे. पाजी इतनी बॉडी बनाई है, पर ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने विलन का रोल किया है. पाजी इतनी बॉडी बना के लास्ट में जब मार वगैरह पिटाई वगैरह होती है, आपको दुख नहीं लगता कि यार क्या है? भाई मैं एक बताता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ जी. मैं आखिरी में थोड़ी सी मार खा सकता हूँ, लेकिन पूरी पिक्चर में मैं मारता हूँ. भाजी कल को अगर आप कोई फिल्म ऐसी करें नवाज भाई के साथ, राजकुमार राव के साथ जी, तो वो तो दुबले पतले हैं, तो फिर आप डायरेक्टर को बोलेंगे कि नहीं यार कुछ तो खुदा का खौफ करो. क्या बात है यार. पर जूते आपने बड़े खतरनाक पहने यार. हाँ वही मैं कहूँ, जब आए थे ऐसे नहीं पहने थे, दगा किया है मेरे साथ. भाजी लेसिस कितने बड़े हैं, ये तो बंदा बांध लो चाहे इसके साथ. भाजी बड़े कमाल के जूते यार, मतलब जो सड़कें बनाते हैं उनके भी इतने बड़े नहीं होते. अच्छा सारा जी, ये सारे शरारती लोग हैं, बहुत बुली करते हैं, हमें ये भी पता है. इन्होंने स्टार्टिंग में मतलब आपको सपोर्ट किया था फुल के पहले थोड़ा हुई रैगिंग वगैरह आपकी? सर सपोर्ट तो हमेशा से किया है, लेकिन रैगिंग भी हमेशा से किया है. अभी भी सर कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं ऐसे. अब भाजी सारा बहुत टैलेंटेड है, आपको पता नेशनल लेवल की स्विमर है ये. रियली? हाँ मुझे स्विमिंग के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, थोड़ा सा पता, जैसे मतलब 2 मिनट तैर लेता हूँ उसके बाद डूब जाता हूँ. पर मैं आपको, मैं स्विमिंग के कुछ होते ना, क्या बोलते हैं उसको, लैप स्ट्रोक, नाम होते हैं स्ट्रोक्स का, तो मैं नाम लूंगा आपको बताना कैसे हैं. हमारे पास स्विमिंग पूल तो नहीं, इतना बजट तो नहीं है, पर आप चाहें तो ऐसे नाक बंद करके फील ले सकती हैं कि आप स्विमिंग पूल में हैं. ठीक है, फ्री स्टाइल करके बताना है आपको. वाओ ऐसे ही होता है. और बटरफ्लाई? नहीं नहीं नहीं, बटरफ्लाई ये पीछे जा रही है, बटरफ्लाई ये, ये ये तो शुतुरमुर्ग हो गया. कौन से नेशन की नेशनल स्विमर है ये? वाली थी, मैं नेशनल स्विमर नहीं हूँ. अब मैंने बोल दिया, मान जाओ मेरी बेइज्जती होगी. मतलब मुझे तो इन्होंने लिख के दिया था सर कि स्विमिंग के ऐसे ऐसे मतलब करते हैं कि बटरफ्लाई होती है और बैक स्ट्रोक होता है वो. नहीं तो हमारे जो गांव खेड़ों में तो पापा जी आपको पता ही होगा, तालाब में छपड़ों में ये सर होता नहीं है, उनको एक ही स्ट्रोक का पता होता है, एक हाथ से नाक पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से कच्चा पकड़ते हैं. नाक इसलिए पकड़ते पानी अंदर ना जाए, ये इसलिए पकड़ते कच्चा बाहर ना चला जाए. अच्छा कई लोग ना फट्टे वाला कच्चा पहनते सर, बड़ा वाला, ऊपर से स्विमिंग पूल में होते नहीं तालाब में होते, वही भैंसे नहा रही हैं वही खुद नहा रहे हैं, या जैसे अपना पांडे है ये स्विमिंग बड़ी करता है. अच्छा वो वाला जो कच्चा होता है ना, वो उसका अलग ही, आपने कभी देखा हो ना कि ऐसे छलांग मारो ना सर तो उसमें हवा भर जाती है. वो ना ऐसे ऐसे चेस्ट तक फूल के आ जाता है. हाँ। और वो अगर तो पुर करके पीछे से निकला तो लोगों को लगता है क्या कर रहा है ये पूल के अंदर. अच्छा फिर ना फूल के यहाँ तक आ जाता है वो, फिर उसको आदमी दबाता है, इधर से दबाओ तो इधर हवा आ जाती है, इधर से दबाओ तो इधर.
वो बड़ा वो एक बार फिर उसमें घुस गए, हवा निकल गई, फिर आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि दूसरी बार घुसोगे तो फिर कच्चा